हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फ़ोन के अंदर किस तरीके से अपने बटन्स को हाइड कर सकते हैं। आप देखोगे तो नेविगेशन बटन्स होते हैं, बैक बटन, होम बटन वाले जो बटन्स होते हैं उनको आप कैसे हाइड करोगे, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन की हम सेटिंग में। तो यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको थोड़ा नीचे आना, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम का, आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ सिस्टम नेविगेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक जेस्चर का, एक बटन का। तो यहाँ पे आपके बटन वाले ऑप्शन सेलेक्ट होकर रखा होगा। आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे आपको बटन देखने को मिल रहे होंगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है? ये वाले बटन आपको देखने को मिलते होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जेस्चर्स पे क्लिक कर देंगे। जेस्चर्स पे क्लिक करने के बाद गाइज, आपके यहाँ पे बटन हाइड हो जाते हैं। यहाँ पे गाइज आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसको अगर आप इनेबल करोगे तो ये लाइन भी गायब हो जाएगी। तो कंप्लीटली आपके ऐसे करके अपने फ़ोन के अंदर से आप बटन हाइड कर सकते हो। बैक करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बैक करोगे तो ऐसे हो जाएगा, मिडिल से बैक करोगे तो आप अपनी होम स्क्रीन में पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।